अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको जैम की खाली बोतलें जो एम्प्टी बोतलें होती हैं इन्हें रीयूज़ करने का तरीका बताऊंगी। बहुत इजी तरीके से हमें ग्लू चाहिए और साथ में ये ग्लिटर्स हैं। आप कोई भी कलर यूज़ करते हैं, सिंगल कलर करना चाहें तो सिंगल कलर यूज़ कर सकते हैं ग्लिटर का, और अगर मल्टी में बनाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ आप शेड्स ले सकती हैं। बहुत ही ईजी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं ब्रशेज़ वगैरह रखने के लिए, और इसके अलावा डेकोरेशन पीस के तौर पर भी यूज़ हो सकता है ये, और फ्लावर्स वगैरह रखने के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये देखिए ग्लू की एक लाइन लगा रही हूँ मैं, ये ग्लू है ब्रश की मदद से। अगर आप टेढ़ी तिरछी लाइनें लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, डिब्बियाँ बनाना चाहें तो डिब्बियाँ भी बना सकते हैं, और सिंगल शेड पूरे के ऊपर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं ये लाइनों की सूरत में लगा रही हूँ, साथ में टिश्यू से साफ़ कर लूँ, थोड़े से ग्लिटर ऊपर लगाकर। ये देखिए नीचे मैंने एक पेज रख लिया, खाली सफ़ा रख लिया ताकि वो नीचे भी ग्लिटर ज़ाया ना हो, उसे दोबारा से यूज़ किया जा सके। ऐसे ही डिब्बी में डाल लेंगे, एक ही साथ सारी बोतल पे ग्लू नहीं लगाएंगे। अगर हमें लाइनों में लगाना है तो एक एक लाइन ग्लू की लगाएंगे और ऊपर ग्लिटर को गिराते जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। तमाम ये देखें जैम वाली बोतल के ऊपर ग्लिटर वगैरह अप्लाई कर लिया, अब इसे ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी। ये देखिए हल्का हल्का सा ड्राई हो चुका है, जब ड्राई अच्छी तरह हो जाए तो इसके ऊपर एक और लेयर हमने ग्लू की लगा देनी है, इससे बहुत ही नीट और ग्लिटर वगैरह उतरेगा भी नहीं और अच्छी लुक आएगी। और डेकोरेट करना हो तो कोई भी सितारे और मोती वगैरह कुछ भी पड़ा हो तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए जी कितनी प्यारी हमारी बोतल जो है वो डेकोरेट हो गई है, और खाली जार हमारा रीयूज़ हो गया है। इसे फेंकने से तो बेहतर है कि किसी काम आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।